गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर मैथ्स क्लास। टुडे वी डू एक्सरसाइज नंबर 7.2, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 7। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट इज रितु थ्रो अ पार्टी एट होम। रितु ने ना घर पर एक पार्टी रखी है। शी बायज 1250 मिलीलीटर ऑरेंज जूस। उसने क्या खरीदा है? 250 मिलीलीटर ऑरेंज जूस लिया है एंड 3 लीटर क्या लिया है? मैंगो जूस लिया है। हाउ मच जूस डज शी बाय इन ऑल? उसने टोटल कितना जूस लिया है ये हमें बताना है। टोटल के लिए कहा है बेटा, तो आपको पता है टोटल के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सो पहले हम क्या राइट करेंगे? उसने क्या लिया है? ऑरेंज जूस कितना लिया है? 1250 मिलीलीटर, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 लीटर 250 मिलीलीटर, ये भी कह सकते हैं ना। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस क्या है? 1250 मिलीलीटर, और वी से 1 लीटर 250 मिलीलीटर। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज जो हमारी सेकंड टर्म है ना, और जो मैंगो जूस है, वो हमें कितना दिया है? 3 लीटर दिया है। इसीलिए हमने लीटर और मिलीलीटर में चेंज कर लिया, ताकि ऐड करते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो टोटल जूस कितना हो गया? 250। अब देखो 3 लीटर है, मिलीलीटर के लिए 000 है। सो 0, 5 and 0 5, 2 and 0 2, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। सो दिस इज़ अ आंसर, 4 लीटर 250 मिलीलीटर। ओके, इन सेकेंड पार्ट वी हैव सुरभि बायज कॉटन क्लॉथ मेजरिंग 8 meter 20 centimeter। सुरभि ने ना कॉटन क्लॉथ लिया है, कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसकी मेजरमेंट कितनी है? 8 meter 20 centimeter। टेरिकॉट क्लॉथ लिया है, जिसकी मेजरमेंट कितनी है? 6 meter 30 centimeter। एंड सिल्क क्लॉथ लिया है, जिसकी मेजर है 3 meter। हाउ मच क्लॉथ डज शी बाय इन ऑल? उसने टोटल कितना क्लॉथ लिया? कौन कौन सा क्लॉथ लिया है? कॉटन क्लॉथ, टेरिकॉट क्लॉथ एंड सिल्क क्लॉथ। तीनों की मेजरमेंट आपको दी हुई है। टोटल के लिए हम क्या करेंगे बेटा? टोटल के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सो कॉटन क्लॉथ की मेजरमेंट राइट करो, 8 meter 20 centimeter, मीटर वाले के नीचे मीटर वाला 8, सेंटीमीटर के नीचे 20। टेरिकॉट के लिए 6 meter 30 centimeter, तो 6 meter के नीचे 6, सेंटीमीटर के नीचे 30। सिल्क क्लॉथ कितना है? ओनली 3 meter, तो सेंटीमीटर के लिए क्या है यहाँ पे? 0 0। सो हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 17 meter 50 centimeter हमारे पास आंसर आ गया है। टोटल क्लॉथ्स है जो हमारा, वो कितना है? 17 meter 50 centimeter। ओके, नाउ इन थर्ड पार्ट द डिस्टेंस बिटवीन दक्ष होम एंड हिज ऑफिस इज 15 किलोमीटर। डिस्टेंस दी है दक्ष के घर से उसके ऑफिस तक की। जैसे हम जाते हैं ना स्कूल से लेके घर तक की डिस्टेंस हम कह देते हैं कि हमारी इतनी है, 15 किलोमीटर। और कुछ रास्ता है जो उसने ट्रैवल किया है, 8 किलोमीटर है, वो मेट्रो से गया। बाकी है जो उसने अदर व्हीकल लिया, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया, मे बी वो ऑटो से गया या रिक्शा से गया। हमको ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस ही कवर बाय सम अदर, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, किसी और व्हीकल से। सो आपको ना देखो टोटल डिस्टेंस दी है घर से लेके ऑफिस तक की, जिसमें से ये बता दिया कि 15 में से वो 8 किलोमीटर तो वो चल लिया किससे? मेट्रो से गया। ओके, नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रह गई? अब देखो बाकी बची हुई बतानी है ना, रिमेनिंग बतानी है, लेफ्ट बतानी है। तो आपको पता है लेफ्ट के लिए या रिमेनिंग के लिए हम क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं बेटा? माइनस। सो वी डू माइनस हेयर। टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर, मीटर के लिए क्या है? 000। डिस्टेंस कवर्ड बाय मेट्रो 8 किलोमीटर, 350 मीटर। सो आप माइनस करोगे तो 0 में से 0 गए 0, 0 में से 5 नहीं जाते, तो 10 माइनस 5 5। नाउ यहाँ 9 रह जाएगा, 9 माइनस 3 6। यहाँ पर अब क्या रह गया? इसको 5 को कट करके 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम 1 यहाँ से और बोरो करेंगे, 14 माइनस 8 6। तो उसने जो अदर ट्रांसपोर्ट से कितनी डिस्टेंस कवर की है? 6 किलोमीटर, 650 मीटर। ओके, यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ 5th क्वेश्चन।
Now you do, let's evaluate also. Question number first is convert the following. Convert करना है हमें इनमें. First question is 4620 meter को हमें किलोमीटर और मीटर की फॉर्म में करना है. अब आपने जो पूरी एक्सरसाइज की थी उसको आप करने के बाद ये तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि जब हमें मीटर को किलोमीटर और मीटर में चेंज करना हो तो 4620 यानी कि हमें जो फर्स्ट है नंबर, यहाँ से हम देखते हैं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मीटर हैं उसके साथ 3 digits रहते हैं. तो आप देखो लास्ट के 3 digits तो आप मीटर के लिए रख दो, बाकी कितना रिमेन रह गया, 4. तो 4 क्या आ जाएगा, किलोमीटर के साथ. तो यहाँ से भी आप फटाफट से अपना सम कर सकते हो. 4620 को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर और मीटर में तो 4 kilometer 620 meter. नाउ इन बी पार्ट 7 kilogram 365 gram. अब आपको सिर्फ इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हो सीधा, या तो ऐसे कीजिए 7 × 1000 + 365. तो इसको करने के बाद क्या आ जाएगा, 7000 + 365 यानी कि 7365. ओके नाउ इन सी पार्ट 9 kilometer के हमें मीटर बनाने हैं. किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, सिंपल है, 9 × क्या कर देंगे 1000, क्योंकि 1 kilometer में कितने मीटर होते हैं, 1000 meter. सो 9 × 1000 इज इक्वल टू 9000 meter. ओके एंड इन डी पार्ट 12 liter 750 milliliter, तो 12 750 milliliter हो जाएगा. ओके इन सेकंड क्वेश्चन वी ऐड दीज गिवन क्वांटिटी, सेम है जैसे हमने 7.2 में ऐड किया था. ओके तो आपको इन सभी क्वेश्चंस में इनको ऐड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, मीटर और सेंटीमीटर में क्वांटिटीज दी हैं 92 meter 20 centimeter और 15 meter 75 centimeter. आपको सिंपल इनको क्या करना है, ऐड करना है. नाउ यू ट्राई ऑल दीज पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू सब्ट्रैक्ट, 25 centimeter 8 millimeter फ्रॉम 70 centimeter 5 mm. सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है जैसे आपने एक्सरसाइज में किया है, सेम है, इसमें भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सब तरह के दिए हैं आपको, ग्राम मिलीग्राम वाले भी, किलो लीटर, लीटर वाले भी, मीटर और सेंटीमीटर वाले भी. सो फर्स्ट पार्ट है जो आपका सब्ट्रैक्शन का, सेंटीमीटर मिलीमीटर 70 centimeter 5 mm, इसमें से माइनस करना है 25 centimeter 8 mm. 5 में से 8 नहीं जाता तो हम 1 क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे. 5 - 8 नहीं हो पाएगा तो हमने क्या किया, 1 बोरो किया. तो 15 - 8 7, यहाँ पे क्या रह गया 9. 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे अब क्या रह जाएगा कट करने के बाद 6. 6 - 2 4. तो सेम है सभी पार्ट्स. ओके यू ट्राई ऑल दिस पार्ट्स एंड इन फोर्थ क्वेश्चन गुरप्रीत गोज शॉपिंग विद हर पेरेंट्स टू अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. गुरप्रीत है अपने पेरेंट्स के साथ ना पास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गई है. दे विजिट द वेजिटेबल शॉप. अब उसके पेरेंट्स भी गए हैं तो सभी पहले कहाँ गए हैं, वेजिटेबल शॉप पे गए हैं. गुरप्रीत की मदर ने क्या खरीदा है, 2 kilogram 500 gram टमाटो लिए हैं, 1 kilogram 250 gram पोटैटोज लिए हैं एंड 750 gram कैरेट्स लिए हैं. हाउ मच वेजिटेबल डज शी बाय इन ऑल. हमको बताना है कि उसने टोटल कितनी वेजिटेबल्स ली. ओके तो आपको सिंपल इसमें दिख रहा है कि हमें सभी क्वांटिटीज़ को राइट करके क्या कर देना है, टोटल के लिए ऐड कर देना है. फर्स्टली यू राइट वेट ऑफ टोमेटो, सेकंड यू वेट ऑफ पोटैटो एंड थर्ड वन इज वेट ऑफ कैरेट. ओके वेट ऑफ टोमेटो, वेट ऑफ पोटैटो एंड वेट ऑफ कैरेट सभी राइट करके टोटल वेट कर दोगे आप, प्लस कर दोगे. अंडरस्टैंड बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. एंड इन सेकंड पार्ट कहा है उसने, उसके बाद कहाँ गए हैं वो, क्लॉथ शॉप पर गए हैं, क्लॉथ मटेरियल लिया है जिसमें से सिल्क क्लॉथ कितना है 4 meter 25 centimeter लिया उन्होंने और जो शॉपकीपर के पास टोटल क्लॉथ कितना अवेलेबल बताया है 7 meter. हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद द शॉपकीपर, बाकी कितना बच गया उसके पास. तो आपको पता है जब लेफ्ट बताना हो, बचा हुआ बताना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 7 meter में से. आप 4 meter 25 centimeter को क्या कर दोगे बेटा इसमें, माइनस. सी हेयर टोटल सिल्क क्लॉथ है 7 meter 00 centimeter. गुरप्रीत ने कितना खरीदा है 4 meter 25 centimeter. सो आपको 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते तो 10 - 5 करेंगे, 1 हम क्या करेंगे यहाँ से पीछे से बोरो, 10 - 5 5, यहाँ रह जाएगा 9, 9 - 2 7, अगेन यहाँ 6 रह जाएगा, 6 - 4 2. तो 2 meter 75 centimeter क्लॉथ है जो वो शॉपकीपर के पास लेफ्ट रह जाएगा.
एंड इन सी पार्ट नेक्स्ट दे विजिट द ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी शॉप कौन सी होती है? जहाँ पर हमें करियाने का सामान मिलता है. ग्रोसरी शॉप पर गए, उन्होंने क्या परचेज़ किया? शुगर ली है 6 किलोग्राम 750 ग्राम, राइस लिए हैं 10 किलोग्राम 500 ग्राम और पल्सिस दालें ली हैं 750 ग्राम. तो हमको बताना है हाउ मच डू दे परचेज इन ऑल, उसने टोटल कितना परचेज़ किया. फिर से टोटल करना है हमें, वेट ऑफ शुगर राइट करेंगे, वेट ऑफ राइस राइट करेंगे एंड वेट ऑफ पल्सिस राइट करेंगे. तीनों आइटम्स को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे. ओके, ऐड करना है सिंपल. नेक्स्ट डी पार्ट कहा है, ऑन देयर वे बैक दे विजिट द जूस शॉप. गुरप्रीत ऑर्डर 150 ml मैंगो शेक. हर मदर ऑर्डर 250 ml ऑरेंज जूस एंड हर फादर ऑर्डर्स 250 ml पोमीग्रेनेट जूस. पहले कहा है कि उसकी गुरप्रीत ने क्या ऑर्डर किया है? मैंगो शेक. वो कितना है? 150 ml. आगे उसकी मदर ने 250 ml ऑरेंज जूस दिया ऑर्डर और उसके फादर ने पोमीग्रेनेट जूस जो कि अनार का जूस होता है वो 250 ml ऑर्डर किया है. हमको कहा है दे ऑल्सो आस्क, उन्होंने शॉपकीपर को जूस पैक करने के लिए भी कहा. कितना? 450 ml तो ऑरेंज जूस कहा और 500 ml मिक्स जूस कहा. तो लास्ट में हमको बताना है कि उन्होंने टोटल कितना जूस ऑर्डर किया. इन सब का हमें क्या कर देना है? 5 आइटम्स का टोटल करना है. मैंगो शेक कितना है? लीटर के लिए देखो कुछ भी नहीं है, मिलीलीटर के लिए सब दिया है यहाँ पर. 150 ml ऑरेंज जूस है, 250 ml पोमीग्रेनेट जूस है, 250 ml ऑरेंज जूस है, 450 एंड मिक्स जूस है 500 ml है. ये सभी मिलीलीटर वालों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो है 0 5 5 5 5 कितने हो गए? 20. 0 2 कैरी आ गया, 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 4 11 and 5 16 16 का 6 कैरी ऊपर 1 आ गया, 1 का एज इट इज़ 1 क्योंकि 1 में 0 ऐड होती रहेंगी तो 1 आ जाएगा. तो टोटल जूस है जो, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही लीटर राइट किया था बिकॉज जो आंसर है वो लीटर और मिलीलीटर में रह जाएगा. तो उन्होंने टोटल 1 लीटर 600 ml जूस है जो ऑर्डर किया था. ओके बेटा, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7. लेट्स इवैल्यूएट. यू हैव टू राइट इट इन योर फेयर नोटबुक. ओके, हैव अ नाइस डे.